नेबुला मैश के इस वीडियो में हम लोग वृत्त पर स्थित किसी बिंदु और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को किसी एक ही बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है या स्पर्श करते हुए चली जाती है। ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी बिंदु पे स्पर्श कर रही है। बिंदु पी को स्पर्श बिंदु बोला जाता है। पहले हम लोग वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे और इसके लिए स्पर्श रेखा के एक नियम का इस्तेमाल करेंगे जो ये कहता है कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब यानी 90 अंश का कोण बनाती है। इस नियम के अनुसार वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पी से केंद्र को मिलाती हुई त्रिज्या खींच दें और इस त्रिज्या से पी बिंदु पर 90 अंश का कोण यानी लंब बनाती हुई रेखा खींच दें तो ये रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, वृत्त पर बिंदु लेना है या वृत्त के बाहर बिंदु लेना है ये क्लियर कर लिया जाता है। बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है और रचना भी लिखनी है। प्रश्न के अनुसार हमें पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके लिए लंगड़ा प्रकार में पेंसिल को लगा लेंगे और इंच पटरी में 3 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे नाप लेंगे। लंगड़ा प्रकार का नोक इंच पटरी के 0 वाले पॉइंट पे और पेंसिल की नोक 3 सेंटीमीटर दर्शाने वाले पॉइंट पर रख देंगे और इस तरह से 3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में आ जाएगी। 3 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद प्रकार को हिलाते डुलाते नहीं है, सीधे अपनी कॉपी पे ऐसे रख के और पूरा एक चक्कर घुमा देंगे। प्रकार को पूरा एक चक्कर घुमाने पे हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तैयार हो जाएगा। वृत्त के केंद्र को एक नाम दे देते हैं ओ। अगला स्टेप है, वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए। वृत्त पर स्थित बिंदु का मतलब आप जानते हैं कि ये जो काला वाला वृत्त है इसी पर कोई बिंदु लेना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी पी बिंदु ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ ले सकते हैं। लेकिन मेरी राय के अनुसार यहाँ पर पी बिंदु लेना ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। ओ से पी को मिलाने वाला रेखाखंड खींच देते हैं। जाहिर है कि ओपी त्रिज्या है। प्रश्न में आगे ये कहा जा रहा है कि पी बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। जैसा कि अभी हमने स्पर्श रेखा के नियम में पढ़ा है, हम यदि पी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दें तो वही रेखा स्पर्श रेखा होगी। हमें 90 अंश का कोण चांदे की सहायता से नहीं बल्कि लंगड़ा प्रकार की सहायता से बनाना है। लंगड़ा प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण हम लोग बनाना जानते हैं, यदि नहीं भी जानते हैं तो आज सीख लेंगे। पी बिंदु को यहाँ लेना सुविधाजनक इसलिए है क्योंकि जब हम लंगड़ा प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हैं तो इस तरह से हम चाप काटते हैं, लंगड़ा प्रकार की नोक हम यहाँ रखते हैं, इसी तरह नोक को हम यहाँ रखेंगे। हम पी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि प्रकार में अपनी सुविधा अनुसार कोई दूरी ले लेते हैं। एक बार दूरी तय कर लेने के बाद प्रकार को हिलाते डुलाते नहीं है, नहीं तो पूरा प्रोसेस गलत हो जाएगा। इसको यहाँ से टाइट कर लिया जाता है। दूरी लेने के बाद नोक को हम पी बिंदु पर रखेंगे और एक चाप
इस तरह से लगा लेंगे। ये चाप ओपी को देखिए इस बिंदु पे कट कर रहा है, यहाँ भी समझते चलिए। चाप ओपी को जिस बिंदु पे काटा है, फिर से प्रकार कोई नोक को उसी बिंदु पे रखते हैं और फिर एक चाप पहले वाले चाप पे ऐसे लगा देते हैं। ये नया चाप पहले वाले चाप को जिस बिंदु पे कट कर रहा है, देखिए इस बिंदु को ध्यान से, फिर से प्रकार के नोक को अब इस बिंदु पे रखेंगे और इस साइड में कट मारेंगे ऐसे। अगला स्टेप ये होगा कि फिर से प्रकार की नोक को इस पॉइंट पे रख के इस साइड में और इस कट वाले पॉइंट पे रख के इस साइड में करेंगे और यहाँ दोनों ही चाप एक दूसरे को कट करेंगे। यहाँ भी समझ लीजिए ऐसे और यहाँ पे रख के ऐसे। ये दोनों नए चाप एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे हैं उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं टी। अब पी को टी से मिलाती हुई एक रेखा इस तरह से खींच देंगे। देखिए यहां भी मिला दिया गया है, कोण टी पी ओ 90 अंश का कोण होगा। इसी तरह यहां भी कोण टी पी ओ 90 अंश का कोण बन गया। तो ये था प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाने की विधि। इस पूरी प्रक्रिया में प्रकार में जो दूरी शुरू में लिए थे उसको बदलते नहीं हैं। बिंदु P को हम कहीं भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे लेना सुविधाजनक इसलिए है कि हमारी आदत पड़ी है इस तरह से 90 अंश का कोण बनाने की। यदि P बिंदु को वृत्त के किसी अन्य जगह पे लेंगे तो हो सकता है कि आपकी कॉपी को थोड़ा घुमाना पड़े और दिक्कत हो। ये तो समझाने के लिए था, आपको मेन काम यहाँ पे करना है। इस तरफ भी एक बिंदु हम लिख लेते हैं, टी डैश नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमने वृत्त पर स्थित एक बिंदु पी से त्रिज्या ओपी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दिया। और जैसा कि स्पर्श रेखा का नियम है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर खींचा गया लंब यानी 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। ये रेखा टी पी टी डैश वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा बन गई। कुल मिला जुला के हमें त्रिज्या ओपी पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा ही खींचनी है। प्रश्न का अगला पार्ट है, रचना भी लिखिए। तो जिस तरह से हमने स्पर्श रेखा खींची है उसी बात को दो तीन लाइन में लिख दिया जाता है। रचना लिख लीजिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। वृत्त पर कोई बिंदु P लिया, त्रिज्या OP खींचा। बिंदु P पर OP से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा TPT' खींचा। रेखा TPT' वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से हम लोगों ने वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना सीख लिया। अब हम लोग बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे। O वृत्त का केंद्र है और P कोई बाह्य बिंदु है। हम जानते हैं कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90-90 अंश का कोण बनता है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचने में हम लोग एक नियम का इस्तेमाल करेंगे जो कहता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले O से P को मिलाने वाली रेखाखंड खींच लेते हैं इस तरह से स्केल की सहायता से। अगला स्टेप होगा OP का
मध्य बिंदु ज्ञात करना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रकार में ओपी के आधे से अधिक एक अंदाज से ले लेते हैं और इस तरह से पी बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक चाप इधर और एक चाप इधर लगाते हैं। प्रकार की दूरी को बिना बदले नोक को ओ बिंदु पर रखते हैं, इधर कट मारते हैं और इधर कट मारते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पे काटते हैं उन्हें हम इस तरह से डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं। ये लाइन ओपी को जिस बिंदु पे काटती है वही ओपी का मध्य बिंदु होता है। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं एम। अब एम को केंद्र मानकर और पीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इसके लिए प्रकार की नोक को एम बिंदु पर रखते हैं और एम पी दूरी लेकर एक वृत्त इस तरह से बना लेते हैं। देखिए एक बड़ा सा काले रंग का वृत्त तैयार हो गया जो पहले वाले लाल वृत्त को क्यू और आर बिंदुओं पर काटता है। पी से क्यू को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे और इसी तरह P से R को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। O से Q को और O से R को मिलाने वाली त्रिज्याएं बना लेंगे। अब इस बड़े वाले वृत्त को देखिए, ये वृत्त का व्यास है और कोण PQO, इसे अगर ध्यान से देखें तो ये अर्धवृत्त का कोण है और अर्धवृत्त का कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। अर्थात रेखा PQ बिंदु Q पर त्रिज्या OQ से 90 अंश का कोण बना रही है। जैसा कि स्पर्श रेखा का नियम है, वृत्त के किसी बिंदु पर त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। अर्थात PQ बिंदु Q पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा हुई। इसी तरह कोण PRO भी अर्धवृत्त का कोण है और ये कोण होगा 90 अंश का। और सेम प्रोसेस से PR भी बिंदु R पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा हुई। अर्थात हम लोगों ने वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींच लिया। अब रचना लिखते हैं। लिख लीजिए, वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा से संबंधित एक और प्रश्न है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। वृत्त की दो त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार खींचिए कि कोण AOB बराबर 120 अंश का हो। बिंदुओं A और B से स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को P बिंदु पर काटती हैं। PA और PB को मापिए। सबसे पहले प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे जिसका केंद्र O है। इस वृत्त पर कहीं भी एक बिंदु A ले लेंगे, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। OA त्रिज्या खींच लेंगे। अब हमें त्रिज्या OA पर O बिंदु से 120 अंश का कोण बनाने वाली रेखा खींचनी है। इसके लिए प्रकार में अपने मन से कोई उचित दूरी ले लेते हैं। O बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाते हैं। ये चाप इस त्रिज्या को जिस बिंदु पर काटता है फिर से प्रकार की नोक को वहीं पर रखते हैं, एक कट लगाते हैं। अब ये छोटा वाला चाप इस बड़े चाप को जिस बिंदु पर काटता है प्रकार की नोक को फिर से वहीं पर रखते हैं और फिर बड़े वाले चाप को कट मारते हैं। ये चाप बड़े वाले चाप को जिस बिंदु पर काटता है उसे हम ओ से मिला देते हैं और एक रेखाखंड खींच लेंगे जो वृत्त को बी बिंदु पर काटता है।
इस तरह से वृत्त के केंद्र O पर 120 अंश का कोण बन गया। ये 120 अंश का कोण बनाने का प्रोसेस है। आप चाहें तो इस कोण को चांदा की सहायता से नाप के चेक कर सकते हैं। अगला काम है कि बिंदुओं A और B से स्पर्श रेखाएं खींचिए। बिंदु A और B दोनों ही वृत्त पर स्थित हैं। इसके पहले वाली रचना में जिस तरह से वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, हम दोनों बिंदुओं पर 90 अंश का कोण बनाकर स्पर्श रेखाएं खींच लेंगे। हमने बिंदु A और बिंदु B पर त्रिज्याओं OA और OB से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं खींच दिया है, जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं। रेखाएं BP और AP क्रमशः बिंदु B और A पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इतना प्रोसेस करने के बाद आप PA और PB को नापिएगा और उत्तर आएगा 4.3 सेंटीमीटर। थोड़ा कोण APB को नाप कर बताइए कि कितने अंश का है, और अपने उत्तर की जांच चतुर्भुज के कोणों के नियम से कर लीजिएगा। चतुर्भुज AOBP में तीन कोण पता हैं और चौथा कोण APB आपको पता करना है। इस सवाल में कोण AOB 120 अंश था, तो हमने इसे लंगड़ा प्रकार की सहायता से बना लिया था। लेकिन यदि कोई ऐसा कोण हो जो प्रकार की सहायता से न बनाया जा सके, जैसे यदि यहाँ 125 अंश दे दिया जाए, तो ऐसे कोण को हम चांदा की सहायता से ही बनाएंगे और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा।